देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर है उन्नाव से, जहां एक वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो भी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये वीडियो एक टीचर द्वारा बच्चे की बेरहमी से पिटाई का है। मासूम सी बच्ची है, बाल पकड़कर टीचर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रही है। ये पूरा मामला जांच के लिए बीएसए को भेजा गया है। बाल खींचने, मुंह पर तमाचे मारने को लेकर बवाल खड़ा हो गया था। ये वीडियो देखिए आप और अंदाजा लगाइए कि जो अभिभावक, जो पेरेंट्स अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे भी और उनका बेहद अच्छे से ख्याल भी रखेंगे, वहाँ उन मासूम बच्चों के साथ इस तरह की मारपिटाई हो, इस तरह का व्यवहार हो, ये कहाँ तक सही है। शिक्षा मित्र महिला के विरुद्ध छात्रा के परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है, FIR दर्ज कर ली गई है। बीएसए ने शिक्षा मित्र सुनील कुमारी को निलंबित कर दिया है। उन्नाव के असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन होना काफ़ी है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अनगिनत मामले देश भर से सामने आए हैं, जहां पर जो टीचर्स हैं उनके द्वारा बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। छोटी सी मासूम बच्ची है, आप देख सकते हैं, मुश्किल से 4 या 5 साल की बच्ची होगी, बाल पकड़ के उसके खींचे गए हैं, उसके बाद थप्पड़ों की बरसात यहां उस पर कर दी गई है। तो ये वीडियो दिखाकर हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्कूल भेजिए, शिक्षा सभी का अधिकार है और जरूरी भी है, लेकिन आप बार बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपनी बातों को रखिए और देखिए कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उम्मीद यही है कि इस तरह के निलंबन की कार्रवाई से आगे जो ऐसे टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं, जो उनके क्लासरूम में बैठते हैं, वो इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। उन्नाव का ये पूरा मामला है, उन्नाव के असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का, जहाँ पर ये महिला टीचर मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीट रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, उन्नाव का ये पूरा मामला, शिक्षिका का निलंबन हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ निलंबन काफी है? और इससे पहले आप ये बताइए कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ये तकरीबन 48 घंटे पहले पुराना वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और ये उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर एक शिक्षिका मासूम बच्चे को थप्पड़ों से मारती भी है और उसके बालों को भी नोचती है। इस वीडियो को जो वायरल किया गया, तो हालांकि उनके परिजनों को जब इस मामले में संज्ञान लिया गया, तो परिजनों ने इसकी तहरीर संबंधित थाने में दी और इस पर FIR दर्ज हुई। तत्काल जब FIR दर्ज होती है तो BSA को भी जानकारी होती है, क्योंकि मीटर ट्रायल होता है, तो इसलिए BSA मौके पर पहुँचते हैं। जाँच तो जो इनके जो टीचर हैं, शिक्षा मित्र जन, इसको सुनील कुमारी, इसको अभी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि शिक्षा मित्र हो या शिक्षा हो या टीचर हो, उनको लेकर के एक बात अभी सामने आ रही है इस वीडियो में कि अच्छी खासी इनको सैलरी तनख्वाहें मिलती हैं और टीचरों को एक गुरु कहा जाता है। यानी कि अगर टीचर इस तरीके से हरकतें करेगा और जो मासूम बच्चा है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जिस तरह से ये टीचर, महिला टीचर मासूम बच्ची को पीट रही है, 4 या 5 साल के मासूम बच्ची ये तस्वीरों में नजर आ रही है, इससे ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन देखने से यही लग रहा है छोटी सी मासूम बच्ची है और जिस तरह से उसकी पिटाई हो रही है, अगर बच्ची को कुछ हो जाता, कोई घटना हो जाती, कोई हादसा हो जाता, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? क्या BSA इसकी जिम्मेदारी लेता? क्या ये शिक्षा मित्र इसकी जिम्मेदारी लेती? मैं कहना चाह रहा हूँ कि टीचरों को एक गुरु के रूप में माना जाता है। इसे इतिहास उठा के देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य जो एक शिष्य थे, एकलव, अंगूठा मांगा गया था द्रोणाचार्य ने और शिष्य ने दे दिया था। लेकिन आज के दौर के शिक्षिका कुछ और है, जो मासूम बच्चों को मारपीट करके उनको
वहाँ पर संस्कार के रूप में सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में टीचरों को सबसे पहले अनुशासनहीनता सिखानी पड़ेगी। दूसरा ये कि मासूम बच्चों से कैसे पेश आना है, वो पढ़ाई से ज़्यादा पहले इनको ये देखना पड़ेगा कि संस्कार किस तरीके के बच्चों को देने। इन केस अगर इस बीच में किसी को कोई हादसा हो जाता या बच्चे को चोट लग जाती तो जिम्मेदार कौन होता? एक माँ का, एक परिवार वालों का अपना संतान उनसे बिछड़ जाती या उनके साथ कितना दुख होता। और सरकारी टीचरों में अगर ऐसा ही रवैया रहा तो फिर प्राथमिक विद्यालय में कौन एडमिशन लेगा? तो सरकार को इन चीज़ों को परिजन संतुष्ट है? देखिए फिलहाल तो परिजनों से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक जानकारी ये मिल रही है कि परिजन FIR दर्ज कराने पहुंचे, FIR दर्ज हो गई है और कार्रवाई इनके ऊपर हो गई। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है परिजन संतुष्ट है। लेकिन अब आने वाले समय पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन पर BSA या शिक्षा विभाग को अभी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी जिससे ये बात साफ हो सके कि मासूम बच्चों को पढ़ाई साथ के साथ साथ प्यार और दुलार भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। दानिश आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो नाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो फिर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। मासूम बच्ची की पिटाई हुई है, परिवार वालों ने FIR दर्ज कराई है, कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ अगर BSA की कार्रवाई की मैं बात करूं तो BSA निलंबन की कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो कई बार आपके जो वाहन है किसी और के वाहन से टकरा जाते हैं, लेकिन आप क्या किसी पर तमंचा तान देते हैं? ऐसा हुआ है बलरामपुर में, जहां बाइक टकराने पर सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने युवक की जमकर पहले तो पिटाई की है। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो ध्यान से देखिए, और सर्विस रिवॉल्वर तान दी है। ये देखिए बलरामपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सिर्फ गलती क्या थी युवक की, कि युवक की जो बाइक है वो टकरा गई थी साहब से, और साहब इतना आग बबूला हो गए कि पहले तो पिटाई कर दी और उसके बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली, तान दी। यहाँ पर गाली गलौच भी हुई है, वो हम आपको नहीं सुना सकते। साथ ही साथ धमकी भी दी गई है। बलरामपुर का ये पूरा मामला है। बलरामपुर में बाइक टकराने पर सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं अरुण कुमार, जिन्होंने ये काम किया, सर्विस रिवॉल्वर निकाली और युवक पर तान दी है। मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, दानिश का मैं रुख करूंगी। दानिश, जब हम सड़कों पर निकलते हैं कई बार हादसे हो जाते हैं, कई बार घटनाएं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका वाहन किसी और से टकरा गया तो बातचीत खत्म हो जाती है, मामूली सा विवाद होता है, हल्की झड़प भी होती है। लेकिन यहाँ तो देखिए सब इंस्पेक्टर साहब आग बबूला हो गए हैं, युवक की जमकर पिटाई की है, वीडियो वायरल हुआ है। तो क्या वीडियो वायरल होने के बाद कोई संज्ञान इस पूरे मामले में अब तक लिया गया? देखिए बता दो कि जनपद बलरामपुर का ये मामला है और एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। हो सकता हो कि दुर्घटना का कोई नियम या कोई दुर्घटना का समय नहीं होता है, कभी भी किसी से, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। हो सकता हो कि दरोगा की बाइक से किसी व्यक्ति की बाइक का टचअप हो गया हो, जिसको लेकर के दरोगा आग बबूला हो गया। अरुण कुमार गौतम जो ललिया थाने में तैनात हैं, और ये दरोगा ने सबसे पहले उसको मारा पीटा, उसके बाद उसने पिस्टल निकाला, पिस्टल से उसको आप देख रहे हैं किस तरीके से, कभी पैर के पास वो पिस्टल ले जा रहे हैं, कभी सर के पास ले जा रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो मारपीट का वायरल हो रहा था तो पीछे किसी शख्स ने इस वीडियो को बना करके सोशल साइट पर वायरल कर दिया, जिसमें ट्विटर पर UP पुलिस को लेकर के बलराम पुलिस तक को टैग किया गया। आनंद फानंद में जब इसकी सूचना वहाँ के SP राजेश सक्सेना को पहुंची तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव का यह कहना है कि एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ जिसमें दरोगा किसी व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और बंदूक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस ये कह रही है कि वो सरकारी रिवॉल्वर नहीं एयरगन है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब दरोगा के पास ऑलरेडी सर्विस रिवॉल्वर होती तो वो एयरगन उनके पास कैसे पहुंच गई और फिर एयरगन को लेने की क्या जरूरत थी? देखिए चाहे पिस्टल जो भी हो, चाहे वो सर्विस रिवॉल्वर हो या कोई और पिस्टल हो, सवाल ये है कि क्या ये अलाउड है कि आप किसी पर भी इस तरह से पिस्टल तान दें? और दूसरा सवाल ये है कि निलंबन की कार्रवाई हो या फिर तबादले की कार्रवाई हो या फिर सस्पेंड की कार्रवाई हो, सवाल ये है कि क्या इतना कर देना काफ़ी है? सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पुलिस की छवि बेहतर हो ताकि आम जनता पुलिस पर विश्वास जता सके। कई तस्वीरें ऐसे भी आती हैं जहां पर मानवता की मिसाल पुलिस पेश करती है, लेकिन अगर इस तस्वीर को हम देखेंगे, और ऐसी अनगिनत तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं जहाँ पर पुलिस की बर्बरता नज़र आती है, ये किस तरह का संदेश पुलिस देना चाह रही है?
देखिए बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो सोशल साइट पर ना वायरल होता है, या मान लेता हूँ कि दरोगा साहब जो किसी व्यक्ति को पीट रहे थे, रिवॉल्वर अपने लहरा रहे थे, अगर उनके से मिस जरा से भी फायरिंग हो जाती तो फिर बाद में अंजाम क्या होता, बाद में फिर उसकी जान तो वापस नहीं आती या वो घटना तो वापस नहीं आ सकती थी। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल ना होता तो क्या दरोगा जी सस्पेंड होते? तब तो पुलिस साफ इनकार कर रही है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि वो सर्विस रिवॉल्वर ना होकर के एयर गन है, पुलिस को ये नहीं दिख रहा है कि दरोगा साहब उसको पीट रहे हैं, उसको रिवॉल्वर को दिखा रहे हैं, वो कितना ज़्यादा सहम गया होगा और आसपास के लोगों में इस कानून का कितना ज़्यादा वो उल्लंघन का भय ज़्यादा होगा कि आखिर पुलिस कानून से काम कर रही है या भय से काम कर रही है। और यही भय अगर इतना है तो अपराधियों में क्यों नहीं दिखता है, एक मामूली से आम आदमी में क्यों दिख रहा है? दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि उसको सस्पेंड कर देने से क्या यह अनुशासनहीनता वापस आ जाएगी, या पुलिस वालों को क्या कोई पैट पढ़ाया गया है, या उनको सिर्फ इतना बता दिया गया कि सुनो आपकी रिवॉल्वर वायरल हो गई है, हम उसको सर्विस ऑयल गन में उलझाए रहेंगे और आपको सस्पेंड कर देंगे फिर बहाल कर देंगे। पुलिस विभाग में मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात में छवि सुधारनी चाहिए, क्योंकि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा गंभीर है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पुलिस को पूरा पावर दे रखा है। आपने देखा होगा कि कमिश्नरेट को भी लागू कर दिया गया इसी को लेकर कि पुलिस फ्रीडम में काम कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस में इसमें मिसयूज या दुरुपयोग भी हो रहा है। जिस अपराधी को पकड़ने के बजाय दरोगा की पिस्टल लहरानी चाहिए वो वहां पर किसी आम व्यक्ति पर लहरा रही है। ये भी देखा जा सकता है कि कुछ आसपास जो लोग खड़े हैं वो हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, हटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक ये भी जानकारी मिल रही थी कि दरोगा साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सैल हैं और ललिया थाने में काफ़ी विवादित दरोगा रहे हैं ये। हालांकि अमृता श्रीवास्तव जो अपर पुलिस अधीक्षक है उनका ये कहना है कि हमने वीडियो को संज्ञान लिया है और उस पर निलंबित कर दिया है, लेकिन वो पुलिस अभी भी थ्योरी जो है वो एयर गन और सर्विस रिवॉल्वर में उलझाए हुए हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एयर गन है कि सर्विस रिवॉल्वर है, हालांकि इसकी जाँच सीओसीटी को सौंपी गई है, वो जाँच में पता चलेगा जाँच में सर्विस रिवॉल्वर आती है या एयर गन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपको रुक करूंगी। बलरामपुर का एक पूरा मामला जहां पर बाइक टकराने पर सब इंस्पेक्टर आग बबूला हो गए और रिवॉल्वर युवक पर तान दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। विधायक का करीबी बनना एक प्रधानपति को महंगा पड़ गया है। इस बार से नाराज ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि की जमकर पिटाई कर दी है। जी हाँ, फिलहाल पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत के बाद भी अब तक पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि को कार्रवाई का इंतजार है। दरअसल ये पूरा मामला लंबुआ कोतवाली के कैथापुर बिल्हाड़ी गाँव का है। इसी गाँव में प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र मौर्य के बुलावे पर बीती 9 जुलाई की शाम लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा यहां पर पहुंचे हुए थे। लोगों से मुलाकात के बाद विधायक सीताराम वर्मा वापस चले गए। इसी के बाद गांव के कुछ युवक प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र मौर्य के पास आए और उसे पकड़कर पीटने लगे। पिटाई के बाद गांव के सभी दबंग उसे धमकाते हुए चल पड़े। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दबंगों की पिटाई साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पीड़ित सुरेंद्र ने इसके लिखित शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए। दानिश, पहले तो पूरा मामला मैं समझना चाहूंगी, अब तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये करीबन 11 तारीख का बताया जा रहा है, जिसमें लंबुआ के विधायक हैं सीताराम वर्मा, वो अपनी जनसभा कर रहे थे। उनका ये करीबी माना जाता है सुरेंद्र मौर्य, जो प्रधान का वहाँ का प्रतिनिधि है। ये जानकारी मिल रही है कि जब विधायक जी वहाँ से अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद जब वो वापस चले गए, तब वहाँ के ग्रामीणों ने मौका देखकर इनकी पिटाई कर दी है। हालांकि पिटाई किस बात को हुई है ये भी सवाल है, लेकिन पीड़ित सुरेंद्र मौर्य जो प्रधान प्रतिनिधि है और विधायक का करीबी, उसका ये कहना है कि हमने थाने पर इसकी शिकायत की थी, जिसमें अब तक FIR नहीं दर्ज हुई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि विधायक के प्रतिनिधि पर इस तरीके का हमला हो रहा है तो आम आदमी पर क्या होता होगा? सुल्तानपुर में वैसे भी क्राइम को लेकर के क्राइम रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो जनपद सुल्तानपुर अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। सरकारें बदली हैं, लेकिन सुल्तानपुर में मुझे लगता नहीं कि क्राइम का ग्राफ गिरा है, बल्कि और बढ़ रहा है। चाहे वो दरोगा को धमकाने का मामला विधायक का हो, चाहे विधायक की प्रतिनिधि को पीटने का मामला हो, किस तरीके इससे पहले दानिश अभी तक कोई दबंग पुलिस की गिरफ्त में आया नहीं? अभी तक तो मुझे लगता है जब इसमें FIR दर्ज नहीं हुई तो भी कार्रवाई किस बात की है, क्योंकि पीड़ित का यह कहना है कि हमने थाने में भी सूचित किया है, एप्लीकेशन भी दी है, जिसमें अब तक FIR नहीं दर्ज हो पाई है। अब सवाल यह है कि क्या विधायक के प्रतिनिधि के विधायक के करीबी जो उनकी FIR दर्ज नहीं होगी और प्रधान के प्रतिनिधि सोचिए कि लंबुआ थाने के सुल्तानपुर में जब कोई पीड़ित व्यक्ति या महिला जाती होगी तो उसकी कार्रवाई किस तरीके से होती होगी, वहाँ के थाने वाले उसे कितनी गंभीरता से लेते होंगे। और सुल्तानपुर का ये पहला ग्राफ नहीं, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में सुल्तानपुर में एक तालिबानी सजा सुनाई गई थी, जिसमें अभी उसके
थे। आनंद फाने में जब पुलिस अधीक्षक को मामला पहुंचा तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की। बिल्कुल, तो दूसरा मामला है। कहा जा सकता है कि सुल्तानपुर में क्राइम पर कंट्रोल करने के मामले में पुलिस कहीं ना कहीं पीछे, अभी बहुत पीछे है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुल्तानपुर को रंगदारी और माफिया के जिले को भी से वर्चस्व जाना जाता है। यहाँ पर जैसे कई बाहुबली हैं जो अपने वर्चस्व को लेकर भी लड़ाई में शामिल रहते हैं। अब ये विधायक के प्रतिनिधि को किन लोगों ने मारा है, इसके पीछे कारण क्या था, अब तक पता नहीं चल पाया है। कारण जब भी पता चल सकता है जब FIR दर्ज हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बैठे। लेकिन सुल्तानपुर में प्रतिनिधि जी, चलिए दानिश आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये पूरा मामला लंबुआ का, जहाँ पर कुछ दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि पर हमला कर दिया है, विधायक तक करीबी प्रधान प्रतिनिधि बताया जा रहा है जिस पर हमला किया गया, और यह आरोप लगा रहा है प्रधान प्रतिनिधि कि एक्शन नहीं लिया गया। बहुत कोशिश की शिकायत दर्ज कराने की, लेकिन कोई शिकायत यहां पर नहीं हो पाई है। तो विधायक तक करीबी प्रधान प्रतिनिधि ये बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते करेंगे कुछ और खबरों का। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में तबादले लगातार जारी हैं। जांच कमेटी गठित होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में तबादला जारी है। तबादला कमेटी ध्यान दे रही है, फिर से 5 तबादले हुए हैं और ये 5 नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ACS अमित मोहन प्रसाद का जलजला लगातार बरकरार है, तबादले रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्वास्थ्य विभाग पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है सरकार। आप देख रहे हैं कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी लगातार स्वास्थ्य महकमे में पहुंचते हैं, जिला अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां का औचक निरीक्षण करते हैं, और इसी निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव भी फूल जाते हैं। ऐसे में तबादले भी लगातार जारी है। जांच कमेटी गठित हुई उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में तबादले लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल 5 तबादले यहाँ पर किए गए हैं। मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दानिश, अगर स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो यहां पर तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है, एक के बाद एक तबादले और अब 5, और हम देख रहे हैं कि प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं, जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते अचानक से पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको कि ब्रजेश पाठक शायद गंभीर हो सकते हैं अस्पतालों को, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, शायद इसीलिए उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। और दूसरा ये भी है कि वो स्वास्थ्य विभाग को उनको विभाग दिया गया है क्योंकि वो खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अभी अगर बात की जाए जनपदों की, में खुद अचानक पहुँच जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, खामियाँ मिलती हैं, क्लास लगाते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है। देखिए अभी हाल ही में जो मुद्दा उठा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बिना मंत्री की सहमति, मुख्यमंत्री के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए गए, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताएं साफ साफ दिखाई गई। जांच कमेटी बिठाई गई जिसपे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस पर जांच कमेटी बिठाई थी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि मंत्रियों के यहाँ पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जाँच कमेटी जब चल रही है तो उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर किस बात पर हुए, और जांच कमेटी चल रही है जांच के दौरान ट्रांसफर होना, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस पर। अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, अगर उप मुख्यमंत्री गंभीर हैं तो फिर अधिकारी उनकी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन अभी इससे कह सकते हैं कि ट्रांसफर को लेकर के प्रमुख सचिव जो हैं आपके अमित मोहन प्रसाद, उनका शायद जलजला बरकरार है, और अधिकारी इस बात से बेखबर या बेखौफ कह सकते हैं कि जांच के जो जांच चल रही है उस पर उनको इस बात की परवाह नहीं, उन्होंने वो अपनी काम कार्यप्रणाली जारी रखे हुए हैं। यानी कि जांच बैठने के बाद भी साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो ये पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य विभाग में लगातार तबादले किए जा रहे हैं, कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा है कि दोबारा मॉल में नमाज हुई तो लुलु में सुंदर कांड होगा। सनातन धर्म के लोगों से हिंदू महासभा ने निवेदन किया है कि इस मॉल का बॉयकॉट करें। लखनऊ शहीद पथ पर स्थित मॉल में हादसा भी हुआ है। 2 बड़ी खबरें सामने आई जहां पर एस्केलेटर से उतरते वक्त मासूम का हाथ फंस गया, हाथ फंसने से मासूम लहूलुहान हो गया। आनंद फानन में एस्केलेटर को रुकवाया गया और आम लोगों के लिए मॉल खुला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है जिसका खुद योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। अंसल ग्रुप के शशांत गोल्फ सिटी में 2,000 करोड़ की लागत से ये मॉल बनाया गया है।
और मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, दानिश से अपडेट लेंगे। दानिश, ये दो खबरें सामने आई थी इस मॉल से जुड़ी, एक तो ये कि इस पूरे मॉल में नमाज का ये पूरा मामला था जिसमें ये कहा गया कि अगर मॉल में नमाज हुई तो फिर यहाँ पर सुंदरकांड भी होगा। दूसरा ये था कि मॉल के अंदर एक मासूम का जो मासूम के साथ हादसा हुआ था, उसका हाथ जो है वो एस्केलेटर में फंस गया था। हाँ, देखिए, जो पहला वीडियो है जिसमें मासूम बच्चे का हाथ जो है इंसुलेटर में फंस गया था, वो तो एक जिसपे उसको आनंद फानंद में वहाँ पे ट्रैक रुकाया गया और उसके बाद उस बच्चे को सकुशल संपन्न उसका हाथ बाहर निकाला गया। अभी फिलहाल वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मामला जो यहाँ पर आ रहा है कि एक सोशल साइट पर जो वीडियो वायरल हुआ लुलू माल में नमाज पढ़ने को लेकर, यानी इबादत गाह को बनाने को लेकर के, उस वीडियो को लेकर के जो हिंदू महासंगठन है उसने भी एक चेतावनी दे दी है कि अगर दोबारा लुलू माल में नमाज हुई तो हम भी सुंदरकांड करेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज की चूँकि बारे में पाबंदी लगाई गई थी, फिर भी लुलू माल पर इस कदर की कृत हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी अचानक अलर्ट हो गया है। और ये माल का भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था, जो 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का शायद ये सबसे बड़ा लखनऊ का माल माना गया है, जिसे हाइपर मार्केट के नाम से भी जाना गया है। हालांकि इस मामले में जो इसके चेयरमैन हैं यूसुफ साहब, इनको इस बारे में जानकारी मिली है कि नहीं मिली है। इनके अक्सर कई ज़्यादा दुबई में इनका भी मॉल है, कई ब्रांचेज इनकी हैं जहाँ 55,000 लोग भी काम करते हैं इनके नीचे। और इस तरीके की अगर घटनाएँ हो या वीडियो वायरल हुआ है तो ये कहीं ना कहीं एक लुलू मॉल के एक चेयरमैन को या वहाँ के स्टाफ को इस बात पर समझना होगा कि ये एक हाइपर मार्केट है, ना कि कोई इबादतगाह है। ठीक है दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मॉल का एक पूरा मामला है, लुलू मॉल ये बताया जा रहा है लखनऊ में स्थित है और हजारों करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल ये बताया जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था और इससे जुड़ी कुछ खबरें सामने आ रही थी जिसको लेकर विवाद भी हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे हुआ है, लेकिन आगे चलकर इस पूरे मामले पे खुलासे जरूर हो सकते हैं। तो आज से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ विधिवत कांवड़ मेला शुरू हो जाएगा। यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी से लेकर कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। कांवड़ियों की वेशभूषा में भीड़ में रहकर पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं संभालेंगे। शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुगरेशन ने बुधवार को रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन सभागार में कांवड़ ड्यूटी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की थी। कहा कि श्रावण कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती है, वो इसलिए क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोविड महामारी के बाद धीरे धीरे जिस तरह से कोविड के मामले कम हुए हैं, अब एक बार ये संभावना है कि अधिक से अधिक संख्या में कांवड़िया पहुंचेंगे, उनका आगमन होगा, तो कोई जनहानि ना हो, कोई शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, इसको लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन ने की है। अलर्टनेस देखी जा सकती है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में यहाँ पर सभी रहेंगे। साथ ही साथ जो कांवड़ लेने वाले लोग कपड़े धारण करते हैं उन्हीं कपड़ों में पुलिसकर्मी भी रहेंगे और व्यवस्थाएं जांचने की कोशिश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, हर की पौड़ी में तैयारियां कैसी हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, तो जिस तरह से हमने देखा था कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में भी, कांवड़ मेला में भी ऐसे ही भीड़ उमड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि धर्म नगरी के तौर पर हरिद्वार को देखा जाता है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है उसको किस तरीके से चलाया जाए और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं बनाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के पास, राज्य सरकार के पास और पुलिस प्रशासन के पास है। क्योंकि पिछले 2 सालों से, यानी कि कोरोना काल में, ना तो कोई बेहतर यात्रा कांवड़ की वहां कराई गई। हालांकि ये जरूर कहा गया कि गंगा जल लोगों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो कांवड़ यात्रा है वो कांवड़ यात्रा नहीं हुई और उसके बाद अब इस बार फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये माना जा सकता है कि कहीं अधिक लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ना केवल हरिद्वार बल्कि ऋषिकेश में जो गंगा बहती है, ऋषिकेश तक भी कहीं कांवड़िया पहुंचते हैं। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैद नजर आ रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही तमाम जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, जो जरूरत की चीजें
होनी चाहिए थी प्रशासन के पास, उसको लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकें भी की थी। हालांकि बड़ी चीज ये है कि जो पुलिस के तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग ये इस बार जो वेशभूषा है वो कावड़ यात्रा जिस तरीके से जो कावड़ लेने आते हैं उनकी तरह ही रहेगी, और उनके बीच में रहकर वो सारी चीजों को सुगम तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर भी पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन चुनौतियां बहुत अधिक है क्योंकि अभी भी कोरोना के जो मरीज हैं वो उत्तराखंड में लगातार आ रहे हैं, और ऐसे में जो सरकार भी चाहती है कि जो कावड़ यात्रा है वो बेहतर तरीके से चलाई जाए, सब चीजों का बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाए, और पुलिस भी चल रही है, दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है, तीसरी तरफ आज से कावड़ मेले की भी शुरुआत हो रही है, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कितनी ज्यादा अलर्टनेस, कितनी ज्यादा तैयारियां देखी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। खुद डीजीपी सड़कों पर उतरे हैं, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, एडजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे थे, उन्होंने भी बैठक ली है पुलिस कर्मियों की। जी बिल्कुल, चार धाम यात्रा और कावड़ यात्रा दोनों को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जो कावड़ यात्रा है वो हरिद्वार जनपद में कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र से शुरू होती है, और तमाम जो कावड़ी है वो ना केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड के बाहर, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्य के लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र में मुस्तैदी दिखाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के बड़े वो भी बैठकों का दौर कर चुके हैं और उसके बाद अपनी तैयारी रूपरेखा बना चुके हैं कि आखिरकार कांवड़ यात्रा को किस तरीके से चलाना है। वही अगर चार धाम यात्रा की बात की जाए तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन की बड़ी मुस्तैदी रहती है, क्योंकि बरसात का मौसम और ऐसे में भूस्खलन और कई आपदाओं जैसी स्थिति पहाड़ों में बनती है। लेकिन बात की जाए कांवड़ यात्रा की तो तैयारी पहले से ही कर ली गई थी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के तरफ से, और उन तैयारियों में कितनी सच्चाई है, उन तैयारियों में कितना अब वो उस तैयारी को पूरा कर पाते हैं, ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लेकिन कई बदलाव पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए, और इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए हैं। जी ठीक है, इस बार शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है, भक्त लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखा दी है, पहले से ही तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।